इसमें मतलब मैम जिस तरह जो डेटा हमारे पास होगा वो हमारे पास एक सेट होगा, ऑन द अदर हैंड हमारी मेमोरी हमारे नंबर ऑफ होल्स होंगे, तो हम नंबर ऑफ होल्स को जब मिनिमाइज करेंगे और कम होल्स में ज़्यादा डेटा डालने की कोशिश करेंगे, तो वो एक्चुअली दैट वुड बी यूजिंग द पिजन होल प्रिंसिपल। जी एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं कि इस तरह ही हम लोग जो है वो इस तरह के डेटा को डील करने के लिए हम लोग पिजन होल प्रिंसिपल जो है वो यूज करते हैं। थैंक यू मैम। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर जो है वो जिन लोगों ने तो पढ़ के आए उनको तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी, और जो लोग नहीं करके आए चले उनका भी कुछ करते हैं। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन। इसमें हमने सबसे स्टार्ट पे तो एक एग्जांपल कंसीडर की है जिसमें हम लोगों ने जो है वो 10 पिजन्स कंसीडर कर लिए हैं और हमारे पास जो अवेलेबल होल्स है वो है 9। पहले तो हम ये करेंगे कि सारे जितने हमारे पास पिजन्स है 9 होल्स में वन वन पिजन जो है वो हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, अब एक पिजन जो है वो बच जाएगा, इस इट मींस के एटलीस्ट टू पिजन्स इन वन होल, कि कोई ना कोई इनमें से एक होल ऐसा जरूर है अगर हमने इन 10 पिजन्स को जो है इन 9 होल्स के अंदर सेट करना है, तो एटलीस्ट एक होल हमारे पास ऐसा जरूर है जिससे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसमें हमारे पास टू पिजन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है तो बेसिकली ये जो पिजन्स की एग्जांपल ही स्टार्ट पे कंसीडर की गई थी, तो इसलिए इस थ्योरम को जो है वो पिजन होल या इस प्रिंसिपल को हमने पिजन होल प्रिंसिपल का जो है वो नाम दिया। ठीक है, अब इसमें हम एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि 10 हमारे पास पिजन्स थे। ठीक है, अब जो जितने नंबर ऑफ पिजन्स है उसको हम कहेंगे कि हमारे पास 10 एटम्स थी, से हमारे पास यहाँ वहां पर एन जो है वो 10 था, और जितने हमारे पास अवेलेबल बॉक्स थे या जितनी स्पेसिस थी उसको हम के कहेंगे, और यहाँ पर के की वैल्यू जो थी वो थी हमारी 9। ठीक है, तो यही हमने बात की, इफ यू पुट एन एटम्स इनटू के बॉक्सेस तो फिर हमारे पास क्या होगा, फॉर इंटीजर्स एन एन। अब देखिए एन पे क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास जिनको जितने ऑब्जेक्ट्स है ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन स्पेसिस। ठीक है, स्पेस हमारे पास के है तो ऑब्जेक्ट्स हम उससे जो है वो ग्रेटर लेंगे, इसको पिजन होल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए। ठीक है, और ये ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास जो है वो आएंगी। देन एटलीस्ट वन बॉक्स हैज टू और मोर एटम्स, तो फिर इनमें से यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया था एन 10 था और के 9 था। अब अगर इन जनरल हम बात करें कि एन एटम्स है और के बॉक्सेस है, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास जो है ना वो वन बॉक्स ऐसा जरूर होगा जिसमें टू और मोर एटम्स होंगे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एन पे डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, और के पे डिपेंड करेगा कि के हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसके बारे में कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो हमें कहा गया है कि 5 रियल नंबर्स जो हैं वो हमने लेने हैं, इंटरवल हमें गिवन है 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 वाला इंटरवल हमें गिवन है और इसमें से हमने जो है वो कोई से 5 रियल नंबर्स जो है वो पिक करने हैं। अब कैसे हम करें पिक 5 रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। हमने 5 रियल नंबर्स को खुद से जो है वो सपोज कर लिया कि x1 x2 x3 x4 और ये x5 तक जाएंगे जो कि हम 0 1 वाले इंटरवल में से कंसिडर कर रहे हैं।
we will show that at least two of them differ by at most 1/4. कि इनमें से एटलीस्ट दो ऐसे जरूर हैं जो 1/4 की जो है जिनमें हमारे पास डिफरेंस आ रहा होगा. अब बेसिकली इसने हमने क्या लिया है कि डिफरेंस जो है ना वो हमने कंसीडर कर लिया है कि 1/4 का डिफरेंस आ रहा है. अब सबसे पहले हमारे पास इंटरवल जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, हमारे पास स्टार्ट हो रहा था जीरो से, बिल्कुल इनिशियल वाला पॉइंट जो है वो तो हमारे पास आ गया जीरो. इसको से हमने कह दिया कि इनिशियल पॉइंट है तो इसको चले एन नोटम कह लेते हैं, जो इनिशियल है वो हमारा जीरो है. अब उसके बाद हमने एन वन फाइंड करना है, तो हम एन वन यहाँ पर जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो 1/4 का डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो 0 + 1/4 करेंगे तो ये हमारे पास एन वन आ जाएगा. अब एन टू नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम क्या करते हैं कि जो 1/4 जो प्रीवियस आया है एन वन उसमें अब हम ऐड कर देंगे 1/4. अब एन वन हमारा क्या आया था, एन वन हमारा 1/4 था, और इसमें दोबारा से हम जब 1/4 ऐड करेंगे तो ये हमें दे देगा 1/2. ये हमारी एन टू की वैल्यू आ गई. इस तरह हम एन थ्री की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे. एन थ्री जो है वो किसके इक्वल होगा, एन टू प्लस 1/4. तो अब मुझे आप बताएंगे जरा एन थ्री की वैल्यू क्या बनेगी, 3/4 हो जाएगी. एन थ्री की वैल्यू जो है हमारी 3/4 आ जाएगी. और फिर एन फोर हमारे पास क्या आएगा, और हमारे पास इंटरवल जो है वो है कहाँ से था, 0 से 1 तक, मतलब 0 से 1 तक जो है वो हमने इसको जो है वो पार्टीशन इसकी कर ली है. ठीक है, अब ये जो पार्टीशन है इसमें से अब हमें कहा गया था कि कितने नंबर्स इसमें से चूज करें, हमने नंबर्स चूज करने हैं 5. और ये पार्टीशन हमारे पास कितनी बनी है, एक पार्टीशन 0 से 1/4, 1, 2, 3 and 4 पार्टीशन है हमारे पास. ठीक है, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या है, 5 आ रही है, और k जितनी नंबर ऑफ स्पेसिस है मतलब यहाँ पर पार्टीशन आ रही है. जैसे पिजन्स वाली एग्जांपल में वो बॉक्सेस थे, तो यहाँ पर ये सब इंटरवल्स हमारे पास जो है ये आ रहे हैं, तो फिर k हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 आ रहा है. ठीक है, k 4 है, क्योंकि 4 जो है ये हमारे पास से सब इंटरवल बन रहे हैं. फर्स्ट वाला सब इंटरवल आपका कहाँ से बन रहा है, 0 to 1/4, और अगर हम सेकेंड वाला सब इंटरवल देखें वो हमारा बन रहा था 1/4 से ऑनवर्ड कहाँ तक जा रहा है, ये 1/2 तक. इसी तरह नेक्स्ट वाला इंटरवल हमारे पास 1/2 से स्टार्ट होके 3/4 तक जा रहा है. ठीक है, और उससे नेक्स्ट वाला इंटरवल अगर हम देखें तो ये 3/4 से हमारे पास 1 तक है. ये 4 स्पेसीज है, ऐसा नहीं कि ये टोटल अगर इन पॉइंट्स को आप काउंट करके कह दें कि ये 5 है, नहीं, जो ये सब इंटरवल्स बन रहे हैं इनको हम यहाँ पर एज अ बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, जैसे पिजन्स में बॉक्सेस थे, तो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हैं ये सब इंटरवल है. ठीक है, तो 4 हमारे पास सब इंटरवल है, इट मींस के की वैल्यू 4 है, और कितने नंबर्स हमें इसमें सिलेक्ट करने थे, 5 नंबर्स इसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं, तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, एन की. ठीक है, तो फिर हमने जो है वो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि एटलीस्ट इनमें से एक सब इंटरवल ऐसा जरूर है जिसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं, और वो हमने जो है वो ये वाला सब इंटरवल कंसीडर किया. अब इसको जनरली हम देख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने यही सब इंटरवल जो है वो सिलेक्ट करना है. तो इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो ये हमारे पास बनता है कि अगर हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, ठीक है, जो कि हमने नंबर्स पिक करने हैं बिटवीन 0 and 1, देन एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर विद इन द इंटरवल 1/(n-1). अब हमारे पास यहाँ पर n क्या था, n की वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी उसको देखें, और ये 1/(n-1) करके देखें कि ये हमारे पास क्या वैल्यू आती है. जरा बताएंगे कि फिर इस केस में हमारे पास 1/(n-1) की क्या वैल्यू आएगी, 1/4 आएगी. 1/4 आएगी, तो 1/4 जो है. फिर हमने क्या किया, क्यों हमने इस इंटरवल में, इसीलिए हमने इस इंटरवल के अंदर जो है ये 2 जो है वो नंबर सिलेक्ट किया. ठीक है, अब इससे हमें पता चला कि हम किस इंटरवल के अंदर जो है वो मूव करेंगे. अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने 6 नंबर जो है वो पिक करने हैं फ्रॉम 1 to 10. 1 to 10 वाली जो काउंटिंग है उसमें नंबर्स 6 नंबर्स हम जो है वो पिक करने जा रहे हैं 1 से 10 तक वाले नंबर्स में. और कंडीशन हमने क्या लगा दी है, 2 ऑफ देम मस्ट ऐड अप टू 11.
कि उनमें से जो दो होंगे उनका जो सम अगर हम करें तो वो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने नंबर कंसीडर कर लिए, 6 नंबर्स हमने कंसीडर करने थे, हमने कंसीडर कर लिया 1, 4, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल 6 नंबर्स जो है वो हमने कंसीडर कर लिए, और इसमें से दो ऐसे हैं जिनका सम जो है वो क्या आ रहा है, 11। एक तो हमारे पास ये जो 1 है, और 1 का और 10 का अगर हम सम कर रहे हैं, ये दोनों एक्सट्रीम वाले, तो ये इसका सम हमारे पास 11 आ रहा है, और अगर हम ये 4 और 7 का सम कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास सम जो है वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। अब टोटल पॉसिबल पेयर्स जो 1 से 10 वाले नंबर्स में हमारे पास बनते थे, वो जिनका सम 11 आता है उनको देख लेते हैं। अब पॉसिबल पेयर एक तो ये बन सकता था कि 1 10, ठीक है, जो हमने कंसिडर भी किया, उसके अलावा 2 9 बन सकता था, 3 8 आ सकता था, 4 7 आ सकता था, और 5 6। हमने कौन से दो पिक किए, एक तो हमने ये 1 10 वाला कर लिया, दूसरा हमने ये 4 7 वाला कर लिया, और बाकी जो हमने पेड़ लिए हैं उनमें से हमने क्या किया कि एक एक नंबर जो है वो कंसीडर किया उन पेड़ में से। देखिए इसमें 2 और 9 में से हमने जो है वो 9 सेलेक्ट किया, 3 और 8 में से हमने 8 सेलेक्ट कर लिया, और 5 और 6 में से हमने क्या किया, हमारे पास टोटल नंबर्स की रिक्वायरमेंट जो थी वो थी कि कितने नंबर्स हमें चाहिए, 6। अब यहाँ तक जब हमने पेयर्स में से एक एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो फिर ये भी कंडीशन हमारी पूरी होगी कि इनमें से सिर्फ दो का हमें सम जो है वो 11 चाहिए था, तो वो दो वाली कंडीशन के लिए हमने अगर 1 सेलेक्ट करना था तो फिर हमें 10 भी सिलेक्ट करना पड़ना था, क्योंकि हमें सम 11 चाहिए था। इसी तरह अगर हमने 4 सेलेक्ट किया तो हमें 7 भी सिलेक्ट करना पड़ना था, और अगर हम 2 सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी हेल्प से हमें सम 11 चाहिए, तो फिर 2 के साथ हमें 9 भी सिलेक्ट करना पड़ना था, ठीक है। तो हमने जो पॉसिबली कंसिडर की है वो हमने ये दोनों टर्म्स कंसिडर की, और बाकी पेयर्स में से हमने एक एक नंबर कंसिडर कर लिया, जितनी हमें काउंटिंग जहां तक हमारी कंप्लीट हो गई थी 6 नंबर्स की, ठीक है। 4 तो यहाँ से हमें मिल गए और 2 हमने जो है वो यहाँ से ले लिए। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि आप अगर 3 8 में से नहीं लेना चाहते तो आप 5 6 में से कोई एक पेयर जो है वो, कोई एक नंबर जो है वो उठा सकते हैं, या तो 5 या 6, ठीक है। तो एटलीस्ट जो 2 कंडीशंस थी हमारे पास कि वो हमारी फुलफिल हो गई है, कि हमारे पास 2 का जो है वो सम 11 आना चाहिए था, वो कंडीशन हमने अब फुलफिल कर ली है। अब नेक्स्ट ये एक स्फेयर की हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हम देख लेते हैं कि सिलेक्ट एनी 5 पॉइंट्स ऑन अ स्फेयर, हमने कोई भी जो है वो 5 पॉइंट्स इसमें से सिलेक्ट करने हैं। द स्फेयर मे बी कट इन हाफ बोथ हाफ्स इंक्लूडिंग द बाउंड्री। अब इसको जो है वो हमने कट किया है इस तरह कि दोनों जो इसके हाफ हैं उनमें बाउंड्री जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। सो डेट वन ऑफ टू हेमिस्फेयर, जो उसका हाफ पार्ट हम कट करेंगे उसको हम हेमिस्फेयर कहेंगे, हैज एटलीस्ट 4 ऑफ द पॉइंट्स। और साथ में हमने ये भी कंडीशन लगा दी कि दोनों हाफ्स में से एक हाफ ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट जो है वो 4 पॉइंट्स होने चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हमने सेलेक्ट करने हैं वो कितने हैं, 5 है। और कंडीशन हमने क्या लगा दिया कि एटलीस्ट 1 हेमिस्फेयर, मतलब 1 जो उसका हाफ पार्ट आएगा उसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स आने चाहिए, 4 पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। पिक एनी 2 ऑफ द 5 पॉइंट्स, अब उन 5 पॉइंट्स में से अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, फ्रॉम द ग्रेट सर्कल थ्रू दोज पॉइंट्स स्प्लिट इट इनटू द 2 हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो उसको हम चाहते हैं कि उन सारे पॉइंट्स में से कोई से 2 पॉइंट्स सिलेक्ट करें, या फिर हम ये कहें कि इस पूरे सर्कल में से हम जो है वो वाले पॉइंट ले लें जो इनको जो है वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो वाले पॉइंट्स कौन से पॉइंट होंगे जो इस पूरे स्फेयर को जो है वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर रहे होंगे, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे। बताएं अगर हम उनमें से कोई 2 पॉइंट पिक कर रहे हैं तो बाकी हमारे पास, ये बता दें कि बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स भी हमें हमारे पास कितने हो रह जाएंगे। मैम इन्फिनिट नहीं, जिनको, जिन पॉइंट्स को हम पिक कर रहे थे, हम कितने पॉइंट्स को यहाँ पर कंसीडर कर रहे थे, 5 पॉइंट्स को, फाइव सही पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए थे ना। अब उनमें से अगर 5 में से हमने एनी 2 जो है वो पिक कर लिए, तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग पॉइंट्स कितने रह जाएंगे। दे 3 पॉइंट्स हाँ, रिमेनिंग हमारे पास जो है वो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स रह जाएंगे उन 5 में से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 ऑफ द 2 हेमिस्फेयर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 ऑफ दीज पॉइंट्स प्लस द ओरिजिनल 2 पॉइंट्स। अब एक तो हम जो ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये 2 पॉइंट्स जो हमने सेलेक्ट किए
और दूसरा हमने क्या कहा, एक ये जो कंडीशन हमने लगाई थी, सो डेट वन ऑफ द टू हेमिस्फेयर हैज एटलीस्ट फोर ऑफ द पॉइंट्स, कि हमने ये जो कंडीशन लगाई थी कि एटलीस्ट फोर पॉइंट्स जो है वो एक हेमिस्फेयर में जो है वो होने चाहिए, मतलब दो पार्ट्स उसके हो गए, स्फेयर को हमने कट कर लिया तो दो हेमिस्फेयर आ गए, तो दोनों में से हमने कहा कि किसी एक में जो है वो एटलीस्ट फोर पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। पहले हमने क्या किया कि एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, बाकी ये थ्री पॉइंट्स हमारे पास रिमेनिंग रह गए थे, ठीक है, ए मतलब दोनों को जो कट कर रहा था उसके दोनों ऑपोजिट साइड पे हमने एक एक पॉइंट ले लिया, बाकी थ्री पॉइंट्स की पोजीशन हमें सेट करनी थी कि वो हम कैसे सेट करें, तो उसके लिए हमें ये कंडीशन यूज करनी पड़नी थी कि जो इसने कहा था कि किसी एक पार्ट में जो है वो फोर हो, तो इट मीन्स कि जो उसका एक पार्ट है उसमें हमें अब थ्री पॉइंट्स जो है वो एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स जो है वो हमें और जो है वो लेने पड़ेंगे, जो कि ओरिजिनल पॉइंट्स टू पॉइंट्स के अलावा, जो ओरिजिनल टू पॉइंट्स हमने लिए थे वो तो हमने दोनों साइड्स पे एक एक पॉइंट ले लिया, अब उसके अलावा हमें जो है वो थ्री पॉइंट्स जो है वो जरूर चाहिए ताकि हमारे पास एक हेमिस्फेयर में जो है वो एटलीस्ट फोर पॉइंट्स आ जाए, ठीक है। ये वाले दो पॉइंट्स हमने वो लिए जो इनको कट कर रहे थे, और उसके अलावा हमने जो है वो थ्री पॉइंट्स लिए ताकि वो हेमिस्फेयर को जो है वो कंडीशन कंप्लीट हो जाए कि एक हेमिस्फेयर में हमारे पास एटलीस्ट फोर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इन द लास्ट टू एग्जाम्पल्स पिजन्स आर द नंबर्स, अब पिजन्स जो है वो हमारे पास क्या थे, नंबर्स थे, और हमने पिजन्स कितने लिए हुए थे, 10 लिए हुए थे, और होल्स आर द ऑर्डर पेयर, होल्स जो है वो हमने एज अ ऑर्डर पेयर कंसीडर किए हैं क्योंकि पिजन्स हमारे पास आर द पॉइंट्स ऑन द स्फेयर एंड द होल्स आर द हेमिस्फेयर। अब जैसे उसमें हमने जो पिजन्स थे उसको हमने यहाँ पर जो है वो एज अ नंबर ट्रीट करेंगे, और जो इसमें आ रहा था ये वाली एग्जांपल को बेसिकली दोनों को रिलेट करने चाह रहे हैं कि जैसे वहां पर पिजन्स थे तो यहाँ पर उस चीज को क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, वो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां पर हमारे पास होल्स थे और यहाँ पर हमने जो है वो क्या कंसीडर किए, हेमिस्फेयर कंसीडर किए, मतलब स्फेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास बॉक्सिस थे वो फाइव आ रहे थे, वो बॉक्सेस जो है वो हमारे पास टू आ रहे थे, और जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या आ रहे थे, मतलब पिजन्स को अगर कंसीडर करें तो पॉइंट्स हमारे पास फाइव आ रहे थे और बॉक्सेस इस एग्जांपल में जो है वो सिर्फ हमारे पास टू थे क्योंकि हमने हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, उसको सिर्फ दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पिजन्स और होल्स की हम लोग बात कर रहे हैं इनको हम किन टर्म्स से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं कि प्लेस पिजन्स इनटू होल्स एंड प्लेस बॉल्स, चाहे हम ये बात कर लें कि पिजन्स को होल्स में शिफ्ट करें या बॉल्स को बॉक्सेस में, या कोई एटम्स इन सम बिन्स जो है वो हम सेट कर रहे हैं, तो इन पार्टिकुलरली हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई व्हाट प्लेस द रोल्स ऑफ पिजन, हमें जो भी प्रॉब्लम गिवन होगी उसमें हमें एक दो चीजों का जो है वो प्रॉपरली हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पिजन्स को जो है मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो पिजन्स एज अ पिजन्स वो होंगी, और जो जितनी प्लेसेस होंगी उनको हम एज अ होल ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर पहले तो हम इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे फिर ही जो है वो हम कोई प्रॉपर रूल जो है वो इसके लिए बना सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो फंक्शंस यूज होने हैं, एक तो फ्लोर फंक्शन है एक सीलिंग फंक्शन है, ये फंक्शंस आपने पहले भी जो है वो डिस्कस किए होंगे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आपने, फिलहाल इनको रिवाइज कर लेते हैं। अब हमारे पास जो फ्लोर फंक्शन है, अगर हम एक्स का फ्लोर फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारा ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर होगा जो कि क्या होगा, एक्स से लेस होगा या एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों फ्लोर और सीलिंग फंक्शन जो है हमें इंटीजर वैल्यू देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर है तो वहां से ये हमें इंटीजर वैल्यू देते हैं, और जो फ्लोर फंक्शन है वो ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर देता है जो कि इस एक्स से जिसका हम फ्लोर फाइंड कर रहे हैं उससे या तो लेस हो या फिर उसके इक्वल हो। अब जो सीलिंग फंक्शन है वो हमें क्या देता है कि ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि इस एक्स से जो है वो क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो। अब ये इक्वल वाला केस तब आएगा अगर ये हम जिसकी हम सीलिंग या फ्लोर फाइंड कर रहे हैं वो इटसेल्फ ही इंटीजर है, ठीक है। अदरवाइज ये इनइक्वालिटी वाला केस आएगा कि उससे हमने लार्जेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा जो एक्स से छोटा हो, या स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा जो एक्स से हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो। अब ये 2.5 है और इसका हमें फाइंड करना है फ्लोर फंक्शन, ठीक है। तो फ्लोर फंक्शन अगर फाइंड करना है तो हमें ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड करना है जो इस एक्स से छोटा हो, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 2.5 आ रही है। तो इस x से छोटा हमें लार्जेस्ट इंटीजर चाहिए, तो इस x से छोटा लार्जेस्ट इंटीजर फिर हमारे पास क्या बनेगा, 2।
तो इसके फ्लोर फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2। अब इसी तरह 2.5 का अगर हमें सीलिंग फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो इसका भी सीलिंग फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो दो है -2.5 है, ठीक है। अब नेगेटिव वाले केस में हमें पता है कि जितना कोई इंटीजर जो है वो नेगेटिव में ग्रेटर होता जाता है, नेगेटिव इंटीजर, उतनी उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, स्मॉलर होती जाती है। ठीक है, तो ये -2.5 से अब जो है वो हमने ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड करना था जो इस -2.5 से जो है वो क्या होता, छोटा होता, तो वो फिर हमारे पास जो है वो -3 आया। ठीक है, इसी तरह अगर इसका हमने वो सीलिंग फंक्शन फाइंड करना है, फ्लोर में -3 आ गया तो सीलिंग में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। अगर ये एक्स इटसेल्फ इंटीजर है तो फिर ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी कि इसका अगर हम सीलिंग या फ्लोर फाइंड करते हैं तो जिस इंटीजर का हम फाइंड कर रहे हैं वो इटसेल्फ ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर हमारे पास जो है एक तो ये कि ये हमारे पास इसमें हाफ ये ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं, इसको हम फ्लोर फंक्शन कहते हैं और इसको सीलिंग कहते हैं। इस अगर इस तरह हमारे पास फॉर्म में फंक्शन आ जाए तो ये बेसिकली हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन होता है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए यूज होता है। एंड यू मे बी इनकाउंटर सम डिफरेंसेस डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के लिए जो डेफिनेशन डिफरेंस डिफरेंस है वो हम लोगों ने देख लिया कि क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास नेगेटिव नंबर में। तो आपने खास तौर पे ये सीलिंग और फ्लोर जब नेगेटिव नंबर्स का फाइंड कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उससे ग्रेटर और लेस वैल्यू हमने किस तरह कंसीडर करनी है। अब जो पिजन होल, अच्छा इस वाले में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये जो नेगेटिव का हमने कंसीडर किया है, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूज कर रहा है तो किसी से पूछ लें। मैम कंफ्यूजन तो नहीं है, बस हम लोग एक्चुअली इसको बस राउंड ऑफ कर रहे हैं ना नंबर को, जो भी हमें नंबर मिल रहा है उसको। नहीं, राउंड ऑफ नहीं कर रहे। देखिए सीलिंग फंक्शन जो है वो एक, देखिए 2.5 का ही आप सीलिंग फंक्शन अगर फाइंड कर रहे हैं तो वो 3 आ रहा है, और अगर आप फ्लोर फाइंड कर रहे हैं तो वो 2 आ रहा है, तो ओनली राउंड ऑफ नहीं है। अब इस चीज का कोई खास मीनिंग है कि अगर हम फ्लोर ले रहे हैं तो हमने उससे छोटा जो इंटीजर होगा वो कंसिडर करना है, ठीक है, और अगर हम सीलिंग फंक्शन ले रहे हैं तो उससे ग्रेटर वाला इंटीजर हमने, चाहे यहाँ पर 2.1 भी होता है ना हमारे पास, 2.1 का भी अगर हम सीलिंग फंक्शन फाइंड, सीलिंग जो है फंक्शन ले रहे होते 2.1 का, ठीक है, तो वो भी हमारा जो है वो 3 ही आना था, तो ये राउंड नहीं हो रहा। इससे ये हो रहा है कि इससे बड़ा इंटीजर वैल्यू, इस फ्रैक्शन से बड़ा जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारे पास आनी है। इसी तरह अगर आप जो है वो फ्लोर फंक्शन चाहे 2.9 का भी फाइंड कर रहे हो तो 2.9 का भी फ्लोर फंक्शन जो है वो आपका 2 ही आएगा, क्योंकि उससे छोटा सही इंटीजर आपको कंसिडर करना है। सही मैम, बिल्कुल ठीक है मैम। इस तरह से मतलब जो नेगेटिव वाले नंबर्स हमने देखे हैं उनमें भी तो सेम डेफिनेशन अप्लाई कर रही है, कोई मतलब चेंज तो नहीं हुआ कुछ? लेकिन आपको पता है ना कि जैसे देखें आपके पास पूरी ये जो लाइन होती है से यहाँ पर आपके पास 0 होता है, ये हमारे पास प्लस इनफिनिटी की तरफ जा रही होती है और इधर से हमारे पास नेगेटिव इनफिनिटी की, ठीक है, यहाँ आपके पास नंबर होते हैं से 1-1, और हमें पता है कि जैसे जैसे इस लाइन पे पूरी लाइन पे हम राइट साइड पे मूव करते जाते हैं तो नंबर्स हमारे पास ग्रेटर होते जाते हैं, और अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो है वो नंबर्स लेस हो जाते हैं। तो मतलब जितना नेगेटिव में नंबर बड़ा होता जाता है वो उतनी उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब -2 जो है वो हमारे पास क्या है, लेस होता है किससे, -1 से, ठीक है। तो इसलिए फिर इस वाले केस में इसमें -2.5 से हमें छोटा जो है वो इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, तो वो फिर हमारी जो बनेगी वो -3 बनेगी। सही मैम, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया सब कुछ। चले अभी यही हमने सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन यूज होने हैं, और जनरलाइज जो प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम लोग देख लेते हैं। पिजनहोल प्रिंसिपल की जो जनरलाइज फॉर्म है वो ये है कि अगर हमें n एटम्स हो और k बॉक्सेस हो, मतलब k स्पेसेस हो और n एटम्स हो, तो फिर हम ये जनरलाइज पिजनहोल प्रिंसिपल हमें क्या कहते हैं कि देर इज अ बॉक्स विद एटलीस्ट, एक तो एटलीस्ट है और दूसरी हम एटमोस्ट के लिए कंडीशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एटलीस्ट जहां पर है वहां पर हमारे पास यहाँ पर सीलिंग फंक्शन यूज होगा, सीलिंग फंक्शन एन ओवर के का हमने जो है वो यूज किया, और जहां पर एटमोस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ हम जो है वो फ्लोर फंक्शन यूज कर रहे हैं कि एटमोस्ट इतनी एटम्स हमारे पास जो है वो एन ओवर के होंगी।
ठीक है, से अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिए जिसमें 150 हमारे पास पिजन हैं और जो हमारे पास स्पेसिस हैं या जो होल्स हैं हमारे पास वो हमारे पास कितने हैं, 60 होल्स हैं। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें एटलीस्ट हमारे पास वन होल में जो है वो कितनी एटम्स आएंगी, और एटमोस्ट ये यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर जो है वो एटमोस्ट आएगा, एटमोस्ट वन होल हैज, ठीक है, फर्स्ट में एटलीस्ट है, सेकंड पे में से वो टाइप हो गया, एटलीस्ट यहाँ पर एटमोस्ट है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है वो कितने होल्स है हमारे पास, एटलीस्ट होल्स अगर हमने देखने हैं तो वो हम क्या करेंगे कि एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, एन कितने पिजन्स थे हमारे पास, नंबर ऑफ पिजन्स, तो एन यहाँ पर हमारे पास आ गया 150, और जितनी हमारे पास स्पेसिस हैं या जितने होल्स हैं वो हमारे पास आ गया के, तो के की वैल्यू फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 60, ठीक है। तो 150 ओवर 60 हमने फाइंड किया तो ये हमारे पास आ गया 2.5। अब 2.5 का जब आप सीलिंग फंक्शन फाइंड कर रहे होंगे तो ये अप्लाई होगा, तो इससे ग्रेटर वाला इंटीजर वैल्यू जो है वो हमें आ जाना है, तो ये हमारे पास आ गया 3 और मोर, यहाँ तो 3 होंगे उसमें एटलीस्ट की क्योंकि कंडीशन है, तो एटलीस्ट 3 तो जरूर होंगे, यहाँ इससे भी ज्यादा आइटम्स हो सकती हैं एक होल में, या इससे ज्यादा पिजन्स हो सकते हैं। अब एटमोस्ट की हम जो कंडीशन लगा रहे थे उसमें हमारे पास दूसरी कंडीशन हमें क्या बताती है कि ये हमारे पास 2 और फ्यूवर, यहाँ तो 2 होंगे या उससे कम, क्योंकि एटमोस्ट की कंडीशन है तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं या फिर उससे जो है वो क्या होंगे, कम होने चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन आ रही है। तो इसको जरा इस एग्जाम्पल का जो है वो हम प्रूफ भी देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ऑल होल्स हैव एटमोस्ट 2 पिजन्स, ठीक है, पहले जो सेकंड वाली कंडीशन हमने निकाली थी कि ये वाली कि एटमोस्ट 2 पिजन यहाँ पर एटमोस्ट है, तो ये फिर हमें क्या बताती है, अगर एटमोस्ट 2 पिजन्स लेते हैं तो टोटल हमारे पास जो के आ रही थी जितनी स्पेसिस थी वो हमारा था 60, के हमारा 60 आ रहा था, और हम कह रहे हैं कि हर होल में एटमोस्ट 2 है, ठीक है, एटमोस्ट 2 है, तो इट मीन्स 2 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सारे होल्स में दो दो हमारे पास पिजन्स है, तो हमारे पास 120 पिजन्स आते हैं, और हमने कितने पिजन्स को, जो हमारा एन हमें गिवन था वो था 150, एन हमें 150 गिवन था, तो इट मींस के 120 तो 150 से लेस है, ठीक है, हमारे पास कुछ पिजन्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि हमारे पास किसी भी होल में जो है वो सेट नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कंडीशन यूज करते हैं कि एटलीस्ट 3 पिजन्स वाली, तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एटलीस्ट जो है वो 3 पिजन्स वाली कंडीशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम एटलीस्ट 3 पिजन्स वाली कंडीशन जो है, इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास स्पेसिस थी 60, और हर एक स्पेस में हम लोग एटलीस्ट जो है वो 3 पिजन्स ले रहे हैं। अगर हम एटलीस्ट 3 पिजन लेते हैं तो फिर इस लिहाज से तो ये 180 बन रहे हैं, ठीक है, और 180 जो है वो ग्रेटर है हमारे पास जो एन है वो है 150। तो यहाँ से फिर हमें क्या कंक्लूजन मिली कि यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन मिलती है कि कुछ होल्स ऐसे जरूर होंगे जिसमें एटमोस्ट 2 पिजन्स होंगे, और कुछ होल्स ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 3, मतलब दोनों कंडीशन जो है वो एट अ टाइम होल्ड कर रही होंगी, ऐसा नहीं है कि सारे होल्स ही ऐसे हैं जिसमें एटमोस्ट 2 हो, अगर हम उस तरह करते हैं तो हमारे पास जो है वो 120 आता है, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सारे होल्स में ही जो है वो 3-3 पिजन्स हों, तो फिर क्योंकि अगर हम सब में 3-3 पिजन्स ले रहे हैं तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है 150 की, तो इस तरह जो है वो 180 आ जाता है हमारे पास, जो कि ग्रेटर है किससे, 150 से। तो इट मींस दोनों कंडीशन जो है वो एट अ टाइम होल्ड करेंगी कि कुछ होल्स तो ऐसे होंगे जिसमें एटमोस्ट 2 पिजन होंगे, और कुछ होल्स ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 3 पिजन होंगे, एक कंडीशन जो है वो एट अ टाइम अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ पिजन जो है वो किसी ना किसी होल में सेट नहीं हो रहे। सही मैम, मैम ये तो मतलब मोस्ट एफिशिएंट केस में होगा ना, हम लोग सिर्फ मोस्ट एफिशिएंट केस को ही देखेंगे। बिल्कुल, जो हमारे पास जो है वो मोस्ट उसके लिए आ रहा होगा उसको ही हम देखेंगे। हम दोनों में से अगर एक केस ले लेते हैं कोई भी एक, तो वो हमारी जो है वो कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा कि टोटल हमारे पिजन्स जो है वो हमें मिल ही नहीं रहे। सही मैम, अच्छा ठीक है। आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि शायद जो एट मोस्ट वाला फंक्शन है वो हमेशा ये रिटर्न करे कि आप 150 पिजन्स को पहले आप फिल कर लो इनटू 60 होल्स, और उसके बाद आपके 80 पिजन्स रह जाएंगे, और वो 80 पिजन्स आप
एक एक ही होल में और डाल दो, तो एक नहीं होल नहीं के ऐसा अंदर। नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके अच्छा, अब मजीद जो है ना, वो इन्हीं चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, और कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने इसमें कंसीडर की हैं। चलें ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास, अगर हमने टोटल पॉसिबल बर्थडेज के बारे में पहले बताएं कि चलें ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं। मैक्स 366 लीप ईयर, वैसे ईयर में हमारे पास इन जनरल 365 होते हैं, और अगर हमारे पास लीप ईयर है तो वो हमारे पास 366 से डेज होते हैं। ठीक है, अब अगर हमने बात करनी है किसी की बर्थडे की, कि अगर हमारे पास कुछ पीपल है तो उनकी टोटल पॉसिबल बर्थडे, हमें ये नहीं बताया गया कि वो ये हम डिस्कस कर रहे हैं लीप ईयर को, या इन जनरल ही हमने बात करनी है कि कितनी टोटल पॉसिबल बर्थडेज हो सकती हैं। तो टोटल पॉसिबल बर्थडेज जो है वो हमारे पास हो सकती हैं 366। ऐसी है, हम लीप ईयर में भी तो हो सकता है कि कोई उस डे जो है वो उसकी बर्थडे हो, तो टोटल पॉसिबल जो बर्थडेज है वो हम 366 कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, तो फिर इस रिस्पेक्ट से जो है ये जो एग्जाम्पल है इसको हम देखते हैं कि ये भी पिजन होल प्रिंसिपल की ही बेसिकली एक हमारे पास एज एप्लीकेशन या एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, कि अगर हमारे पास 367 जो है वो पीपल है, ठीक है, और टोटल पॉसिबल हमारे पास बर्थडेज जो है वो 366 है, तो इट मीन्स के एट लीस्ट हमारे पास जो है वो और टू पीपल्स ऐसे जरूर हैं जो कि सेम, जिनकी बर्थडे जो है वो क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर हमने एट लीस्ट का वर्ड यूज किया है, देयर मस्ट बी टू पीपल्स विद द सेम बर्थडे, के टू पीपल्स तो ऐसे जरूर होंगे जिनकी फिर बर्थडे जो है वो क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह अगर हम टोटल हमारे पास जो है वो कितने अल्फाबेट्स होते हैं, मैम 27 आई थिंक 27 सामने लिखा हुआ है, सॉरी 26 होते हैं हमारे पास अल्फाबेट्स। तो अगर हमारे पास जो है वो 27 वर्ड्स का हमें एक जो है वो 27 लेटर्स को यूज करके एक वर्ड हमें जो है वो लिखना है, तो फिर हमें ये पता है कि एटलीस्ट टू हमारे पास जो है वो लेटर्स जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे उस वर्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल पॉसिबल वर्ड्स ही हमारे पास कितने हैं, 26 हैं। तो ये भी इसकी जो है वो एक एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, किसी की एप्लीकेशन है। इस तरह ये जनरलाइज प्रिंसिपल जो है वो अभी आपको बताया इसकी जनरलाइज वो, तो ये वही है कि अगर हमने देखना हो कि देयर इज एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग, कितने हमारे पास एक बॉक्स में, एट लीस्ट वाला जो काम था वो तो हमने इसी से ही देखा था, सीलिंग फंक्शन से एन ओवर के करके, तो इसके सीलिंग फंक्शन से हम लोग जो है ये चीज देख सकते थे। अब ये देखेंगे इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एक और, कि अमंग 100 पीपल देयर आर एट लीस्ट, अगर हमारे पास टोटल जो है वो 100 पीपल्स है, ठीक है, और एट लीस्ट की पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है कि कितने पीपल ऐसे हैं कि जो कि सेम मंथ में जो है जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम मंथ में, सेम मंथ की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो अब पहले हम डेज की बात कर रहे थे, अब मंथ की बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें कि टोटल जो पीपल्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और एन की वैल्यू फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 100। और अगर हम के देखें, क्योंकि मंथ की बात कर रहे हैं, तो फिर के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो 100/12 हमें इसका सीलिंग फंक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें देगा 9 वैल्यू। ठीक है, तो इट मीन्स के 9 पीपल्स बोर्न इन द सेम मंथ। अब इसी तरह कुछ मजीद इसमें से जो है वो एग्जाम्पल्स मैंने इसमें डिस्कस की हैं, उनको भी आप लोग देख लें, अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये बुक से ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर आप जो है वो मेरे से डिस्कस कर लें। स्लाइड्स आप लोगों को जो अगर किसी ने पहले वाली डाउनलोड करनी थी तो दोबारा से मैंने अपडेट किया फाइल, उसको जो है वो डाउनलोड करें और इसमें मेरे से पूछ लें कि अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है किसी एग्जाम्पल में। या चले मैं ही आपको स्लाइड जो है, पहले ये वाली एग्जांपल देखें आप लोग, ग्रेड्स वाली जो सामने आपको शो हो रही होगी, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास मस्ट देयर बी इंश्योर दैट 6 स्टूडेंट्स गेट द सेम ग्रेड्स, और ग्रेड्स आप सो ए से एफ तक गिवन है। मैम 5 into 6 स्टूडेंट्स।
देखिए मुझे जिसको समझ आ गई है वो फिर मुझे एक्सप्लेन करे कि कैसे आया ये। मैम, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास पिजन्स हैं और नंबर ऑफ ग्रेड्स हमारे पास होल्स हैं, तो हम उन उन होल्स को पॉपुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, और हमारे पास 5 होल्स हैं और हमने हर होल में 6 पिजन्स डालने हैं, तो हमें टोटल 5 × 6 पिजन्स चाहिए टू सेटिस्फाई द बिल्कुल। कंडीशन ऑल द होल्स हैविंग 6 पिजन्स। मींस यहाँ पर ये जरूरी है कि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आपको गिवन क्या है। यहाँ पर एन की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, मींस टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन नहीं थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 6 जो है वो एन की वैल्यू कंसीडर कर लें, यहाँ पर 6 एन की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 6 वो वैल्यू है जो हम पहले फाइंड करते आ रहे थे कि खुद से जो वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती थी इनका सीलिंग फंक्शन लेके, इनकी फ्रैक्शन लेके। अब वो वैल्यू हमें खुद से हमें गिवन है कि वो 6 है। और 5 जो है वो 5 तो स्पेसिस के तौर पे यूज हो रहा है ना, यहाँ जो बॉक्सेस है उनकी प्लेस पे अब जो है वो ग्रेड्स यूज हो रहे हैं 5। तो एन की वैल्यू अब यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, तो एन की वैल्यू 26 कैसे आई, ये बात तो ये है। मैम, इनइक्वालिटी बन जाएगी ना, क्योंकि हम सीलिंग फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स एन ओवर जी 5 लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 5 हो गया एन ओवर 5। तो फिर ग्रेटर देन 25, एन की सबसे पहली इंटीजर वैल्यू 26 आती है। एग्जैक्टली। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो फिर 26 की आएगी। चलें नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखें। राइट। मैम, जी वो इन जो लास्ट में हमने किया है, वो जो 26 हमने किया है, वो जो इनइक्वालिटी वाली बात नहीं समझ नहीं लगी, अगर आप रिपीट कर दें तो। अच्छा, इसमें देखें जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आपने लेनी थी ना, वो से अगर हम से आप कह दें कि 5 × 5 अगर आपने फाइंड करना है तो वो आपका क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। अब आपने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो 25 से ग्रेटर हो, और उससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो उसका मल्टीपल बनना था वो वैसे बनना था 30, लेकिन 25 से ग्रेटर हमें एक वैल्यू लेनी है। तो एन जो है वो नंबर्स है ना, तो एन को इंटीजर वैल्यू ही आनी है हमारे पास यहाँ पर। तो इट मीन्स कि वो जो सबसे ग्रेटर वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो 25 से ग्रेटर होती है हमारे पास, वो 26 ही आ रही है यहाँ पर इस केस में।
तो मैम हम 25 पे जा क्यों रहे हैं, मतलब 5 बाई 5 क्यों करें, क्योंकि स्टूडेंट तो एटलीस्ट 6 ही चाहिए ना, और ग्रेड्स भी 5 है। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, मैं बताती हूँ। देखिए, इस सीलिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, ऐसा ही है। तो सीलिंग फंक्शन की वैल्यू अगर 6 आ रही है, तो इट मींस ये जो हम फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं एन ओवर 5 की, ये वाली फ्रैक्शन की वैल्यू जो है सीलिंग फंक्शन को अभी अप्लाई करना है, तो ये 5 5 पॉइंट समथिंग होगा ना, तभी हमारे पास सीलिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आई है, 6 आई है, ऐसा ही है। मतलब इसकी, इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 5 पॉइंट समथिंग होगी, तब हम इसका, जब हम सीलिंग फंक्शन इस पे अप्लाई कर देंगे, तो वो हमें वैल्यू क्या दे देगा, 6। तो हमने एन की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हमारे पास ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा हो। तो देखिए, अगर हमारे पास जो है वो एन की वैल्यू से अगर हम 25 ले लेते हैं पहले, ठीक है, अगर एन की वैल्यू 25 लेते हैं, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 5 आ जाना था। तो 5 से छोटा जो हमारे पास इंटीजर था, वो हमारा, वो 5 से ग्रेटर वाला जो हमने इंटीजर लेना था, 5 का अगर हम सीलिंग फंक्शन फाइंड करते हैं, तो ये हमारा 5 ही आ जाता। अब एन की अगर वैल्यू हम 26 ले रहे हैं, ठीक है, ये लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास सीलिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो सीलिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब अगर हम 26 लेते हैं, तो ये 5 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ रहा है, तो इसका ये लीस्ट वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है ना, तो फिर हमारे पास एन जो है वो क्या आएगा, 26 आएगा, तभी अगर हम उसको 5 पे डिवाइड करते हैं, तो इसका सीलिंग फंक्शन जो है वो हमें वैल्यू 6 देता है। तो ये लीस्ट पॉसिबल जो है वो हमारे पास 26 ही है इंटीजर वैल्यू। ओके मैम, अच्छा, तो बाकी एग्जाम्पल है ना, उनको भी काइंडली आप लोग देखें और फिर मेरे से जो है वो डिस्कस करें, अगर उनमें कोई भी कंफ्यूजन है तो। एक्सक्यूज मी जी मैम, ये जो बॉल वाली एग्जांपल है, 10 रेड बॉल एंड 10 येलो बॉल्स, इसके अंदर वो उसने पहली लाइन लिखी हुई है कि कंसीडर टू बॉल ऑफ ईच कलर। उसके बाद लाइन आती है, यू कांट टेक अनदर बॉल फॉर हिटिंग थ्री। इसका मतलब समझाएंगे हम? एक मिनट, पता नहीं मैंने कहाँ पे सेव कर दी।
मैम जो मुझे काफी एक